किसी भी इंसान को मारने में दो चीज़ की हमेशा इंसान को ज़रूरत होती है, पता है वो जो दो चीज़ कौन है? सबसे बड़ा कि इंसान के साथ सबसे पहले तो दारू पिला दीजिए, तब उसको मारने में सहूलियत मिलती है। दूसरा कि इंसान को मारने में तब सहूलियत मिलती है जब वो लड़की के मैटर में हो। आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है, कि आखिर मारने में दो ही चीज़ की ज़रूरत होती है, दारू और लड़की। कहा गया है कि तीन चीज के पीछे कभी नहीं दौड़ना चाहिए, बस, ट्रेन और छोकरी। लेकिन छोटू बाबू की बात आ गई, छोटू बाबू ने जो गलती की है उस गलती को हम लोग कैसे सुधारेंगे? छोटू बाबू के साथ जो प्रॉब्लम हुआ जिसके वजह से उनको मौत के घाट उतार दिया गया, उस रात वो 2 बजे आखिर करने क्या गए थे वहाँ? प्रेमी प्रेमिका है आजकल अक्सर लोग जानते हैं कि प्यार क्यों होता है। प्यार शब्द को बदनाम भी किया गया है कई जगह, प्यार शब्द को अपमान भी किया गया है, प्यार की पूजा भी की गई है बहुत जगह। सब लोग जानते हैं क्यों होता है ऐसा। अब आइए बात, मैं कहता हूं सबसे बड़ी बात कि छोटू के साथ ऐसा क्यों हुआ, वो रात के 2 बजे क्या करने गए थे वहां? आज मुझे पता चला है तो मैं वीडियो बनाया हूं। मैं लोग गायक शिवेश मिश्रा सभी को प्रणाम करता हूं। छोटू को न्याय तो मिलना ही चाहिए, गलती तो उन्होंने भी की है। 2 बजे रात को सबसे पहले उस लड़की के घर उनको नहीं जाना चाहिए था, प्लानिंग के तहत उनकी मर्डर हुई, उनकी मौत हुई। पवन यादव जो कि लड़की के जीजाजी हैं, कहा गया कि उन्होंने मारा है। और उनके गांव जब न्यूज़ चैनल वाले पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नहीं, पवन यादव अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मर्डर नहीं किया है, क्योंकि वो दिल्ली पंजाब कमाने वाले लोग हैं और ऐसे दिल्ली पंजाब कमाने वाले लोग अक्सर ये सब चीज़ नहीं करते हैं। सब लोग जानते हैं क्योंकि वो मेहनती इंसान होते हैं बहुत ज़्यादा। अब आइए आप, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी बात कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए किया होगा, 2 बजे रात के अंधेरे में छोटू बाबू गए थे उनके घर पर, और जब उनके घर गए तो उन्होंने देखा कि छोटू अपने प्रेमिका से मिलने पहुंचे थे रात में। कोई भी लड़का रात के अंधेरे में, आपने पहले भी एक घटना को देखा होगा, मुजफ्फरपुर में एक लड़के के प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया था। क्यों? आप किसी के घर में अगर जाएंगे रात के अंधेरे में, इधर आइए आप पहले कैमरा वाले में, रात के अंधेरे में अगर आप किसी के घर में जाएंगे तो क्या होता है आप सबको ही जानते हैं। सबसे पहले तो आत्मा कांपती है, रूह कांपता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कोई भी हम किसी से प्यार करते हैं अगर रात के अंधेरे में जाते हैं तो परिणाम क्या होगा सबको ही जानते हैं इस बात को, ये बात किसी से छिपा नहीं है। आज की बात मैं बताता हूँ, रात 2 बजे में छोटू जी आरती के घर पहुंचे। क्यों पहुंचे? भाभी ने बुलाया, सारी बातें थी। इससे पहले भी छोटू जी ऑलरेडी मिले ही होंगे उनसे, प्यार है। हर प्रेमी एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पता है, मरता है कि कैसे एक दूसरे से मिले, तो वो बात हुई होगी सबसे बड़ी बात। तो ये रात के 2 बजे अंधेरे में पहुंचे होंगे, प्रेमी प्रेमिका से मिले होंगे, इसी दरमियान मिलने के क्रम में दोनों पकड़े गए होंगे। दोनों पकड़े गए होंगे नहीं, पकड़े गए जैसा मुझे पता है, पकड़े गए और पकड़ने के दरमियान इनके साथ ट्रीटमेंट हुआ होगा। अगर आपकी बेटी हो, जितने लोग हैं आपकी बहन हो, अगर कोई लड़का रात के अंधेरे में पहुंच जाए आपके घर, आपकी बहन से, आपकी बेटी से मिलने, हमारी बहन हमारी बेटी से मिलने, तो आप कैसा ट्रीटमेंट करेंगे? थोड़ा साइड नज़दीक रहिए। तो आप कैसा ट्रीट करेंगे? कोई भी इंसान चाहेगा कि इस लड़के को मार दे, कोई भी इंसान, वो हम हो या आप हो, ये दुनिया की सच्चाई है। हर बाप जब बेटी की जन्म होती है तो उस समय सर झुकता है। क्यों? क्योंकि बेटी बन के आती है माँ बाप के जीवन में, कल उसका बसेरा होता है किसी और के आंगन में, ये दुनिया की सच्चाई है। इस सच्चाई से ना आप रुख मोड़ सकते हैं ना मैं रुख मोड़ सकता हूँ। तो मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ ऐसा हुआ क्यों। जब बेटी की शादी तय करनी होती है, इंसान हर एक आदमी चाहता है कि मेरा जो दामाद हो वो बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छे घर का हो, कमाता खाता हो। छोटू जी अभी कमा नहीं रहे थे, नॉर्मली जो होता है घर परिवार के साथ, तो उन्होंने शायद सोचा होगा कि हमारा दामाद बहुत अच्छा हो, बहुत कमाता हो, हमारे बेटी को खुश रख सके, उन्होंने यही सोचा होगा, जिसके वजह से वो पकड़े गए और उसके बाद बातचीत हुई होगी तो वो भी रिजिड हुए होंगे। छोटू जी रिजिड हुए
और रिजिड होने के दरमियान कहते हैं पवन यादव ने खून नहीं किया। आखिर कैसे नहीं, कैसे मान लें हम कि पवन यादव लड़की का जीजा, आरती का जीजा जो खून नहीं किया, कैसे हम मान लें? कोई नहीं मान सकता, क्योंकि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। पता है क्यों आप लोगों को? विवेक इसलिए मरता है कि जब अच्छे अच्छे इंसान जब उनके ऊपर पड़ती है बात, तो वो इंसान कुछ भी करने को, कर गुजरने को तैयार होते हैं। उन पर यही हुआ। पवन यादव उसके जीजा जी हैं, उन्होंने भी देखा होगा ये लड़का रिजिड हो चुका है, और जब रिजिड होता है तो हर एक इंसान उतावला हो जाता है। हमारी बहन बेटी पर बात आ गई, इसीलिए वो लोग मारपीट चलने लगी। के दरमियान अंत में करंट लगा लड़का को, और करंट लगाकर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। करंट लगा या लगाया गया, आरती भी दूसरी रूम में बंद थी, कोई नहीं जानता। हम लोग बस संदेह कर सकते हैं कि आखिर हुआ क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं, दुनिया में जब आपको कोई परेशान करना चाहेगा, जब आप इस चीज़ से विलुप्त हैं, आप अपने काम में लगे हैं, कोई इंसान आपको उंगली करता हो, तो आप कितना देर सहेंगे? आप सहेंगे, लेकिन बस थोड़ी देर सहेंगे, दो चार दिन सहेंगे, दो चार महीना सहेंगे, एक साल तक सहेंगे। जब सर के ऊपर पानी चला जाता है तो कोई भी इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। शायद वही होगा, हुआ होगा। दो साल पहले से प्यार चल रहा था, उसके पिता नहीं चाहते होंगे, उसके घर वाले नहीं चाहते होंगे, जिसके वजह से इनकी हत्या हुई। लेकिन उससे भी बड़ी बात आज मैं आपको बोलने वाला हूं। मैं शिवेश मिश्रा पूरे होशो होवास में बोलता हूं, मैं कलाकार हूं, मैं गाना गाता हूं, मैं स्टेज प्रोग्राम करता हूं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद बस एकमात्र यही है। सबसे पहले तो जो भी प्यार करने वाले लोग हैं, किसी के घर ना जाएं। सबसे बुरी बात यह है, अगर आप जाते हैं तो परिवार के सहमति से जाएं। दूसरी बात कि आपने गलत किया छोटू जी, आपको नहीं जाना चाहिए था कभी भी उसके घर। आ जाइए अंदर थोड़ा। उसके घर नहीं जाना चाहिए था। उसके घर अगर आप गए तो गलत किए। कितना भी कोई बुलाए, दिन के उजाले में जाते आप, रात के अंधेरे में जाने की जरूरत नहीं थी। ये प्रेम बहुत खराब चीज होता है। मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ। आप मेरे मित्र के मित्र हैं, संदीप जी के मित्र थे आप, इसी वजह से मैं इतना कुछ आज बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं बोलता। मुझे सब कुछ धीरे धीरे पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा घटना हुआ। पवन यादव तो दोषी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। खास करके इसकी भाभी भी दोषी है, उस चुड़ैलिया जिसके बारे में हम पहले भी वीडियो किए। बहुत लोगों ने कहा कि भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं बोलूंगा। उसको आप मारते पीटते छोड़ देते, जान से मारने का अधिकार आपको किसने दिया? किसने दिया? किसी ने नहीं दिया। इसी वजह से मैं ये वीडियो बनाया हूँ। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों के जन जन तक पहुँचाइए। प्यार करने वाले लोग खास करके आज से याद रखेंगे कि कभी किसी के घर में बिना कहे बिना पूछे रात को ना जाएं, जाना हो तो दिन में जाएं। बस मेरा यही विनती है आप लोगों से, आज से आने वाले समय में एक्सीडेंट तभी होता है जब ओवरटेक होता है, प्यार तभी होता है जब नजरें मिलती है, और मौत तभी होता है जब रात के उजाले में कोई अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं। रात के उजाले में, रात के अंधकार में बिल्कुल ना जाएं, सुरक्षित रहें, और अगर प्यार ही करना हो तो खुल के करें, लेकिन दिल में करें, रात में नहीं। ये काम रात में करने का नहीं है, इसमें जान आपकी जा सकती है। जो भी मित्र भाई हैं, जो भी प्यार करते हैं, हर कोई प्यार करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है आपको प्यार की कसम है, ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर हो सकता है आपके साथ भी वही बर्ताव किया जाए। क्योंकि आपकी बहन बेटी के साथ, हमारी बहन बेटी के साथ अगर कोई रात में मिलने आए तो हम भी वही बर्ताव करेंगे जो उन लोगों ने किया। किया उन लोगों ने, जो किया वो सही था, लेकिन उन लोगों ने जान से जो मारा वो बिल्कुल गलत था, जिसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए। और इसकी सजा तो 20 साल बहुत कम पड़ जाएंगे, मुझे लगता है फांसी की सजा होनी चाहिए उन पूरे परिवार को। और अंत में बस यही कहेंगे कि आप लोग इस बात को ध्यान में रखें, कभी भी प्यार करें जरूर, लेकिन प्यार को निभाएं, और ख़ास करके प्यार के चक्कर में रात को ना पड़े, नहीं तो अंजाम वही होगा जो छोटू भाई का हुआ। छोटू भाई, आपके आत्मा को भगवान शांति दें, हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। लेकिन आपने जो किया वो भी गलत था, आपको रात के अंधेरे में कभी नहीं जाना चाहिए था। नमस्ते प्रणाम, हम शिवेश मिश्रा लोक गायक। आप सब लोग से विनती है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिहार के अररिया जिला के इस आरती को न्याय दिलाने में आप सभी मदद करें। जय हिंद, जय भारत।